Hello students, we are studying the second chapter of civics federalism, and in this chapter we are reading about the federalism, what is federalism, its types, and yesterday we have studied about the language policy, and today we will discuss center and state relation. Language policy में हमने पढ़ा था कि किस तरह आजादी के बाद जो लैंग्वेज पॉलिसी बनी, किसी स्टेट्स में कौन कौन सी लैंग्वेज ली गई, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं बनी, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी वो स्टेट्स में लागू कर दी गई, इंग्लिश को भी लागू किया गया, तो ये क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए ये हमने कल पढ़ा था. एंड टुडे वी विल रीड के आज़ादी के बाद से सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे रहे, ये हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि स्टेट में या सेंट्रल में जो पार्टी थी वो किस तरह से रूल कर रही थी. तो यहाँ पर हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे. फॉर अ लॉन्ग टाइम सम पार्टीज रूल सेंटर एंड स्टेट, दिस डिड नॉट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज देयर राइट्स. यानी कि लंबे समय तक एक ही पार्टी रूल करती रही आजादी के बाद, कांग्रेस थी जो कि लंबे टाइम तक सेंटर में रूल करती रही, केंद्र में शासन करती रही और स्टेट में भी रूल करती रही, और स्टेट में या सेंटर में वही हो रहा था जो कांग्रेस के हायर लीडर्स चाहते थे. ठीक है, यानी वो किसी भी स्टेट की स्वायत्त सरकार बनना नहीं देना चाह रहे थे. उसके बाद सेकंड आता है द पार्टी रूलिंग इन द सेंटर एंड स्टेट वाज डिफरेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन डिसमिस द स्टेट. यदि इक्का दुक्का कोई स्टेट में अलग पार्टी बन भी रही थी, सेंट्रल की पार्टी से अलग कोई पार्टी अपनी सरकार बना भी रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था कि सेंट्रल उसको अच्छे से रूलिंग नहीं करने देती थी, कांग्रेस जो थी उसको अच्छे से रूलिंग नहीं करने देती थी, और उसके काम में दखल डाल के कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके उसको डिसमिस कर देती थी. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा 1990 नो सिंगल पार्टी हैड मेजॉरिटी द इराक कोलिशन गवर्नमेंट्स. अब 1990 में सिचुएशन चेंज हो गई और जो कांग्रेस थी, जो पार्टी थी, वो कोई एक पार्टी सरकार में सरकार नहीं बना पाई और यहाँ पर बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, जिसे हम कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से यानी गठबंधन सरकार के नाम से जानते हैं. उसके बाद क्या हुआ, इट बिकेम डिफिकल्ट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट नाउ रूल्ड ऑटोनॉमसली एंड बिकेम पावर. अब क्या हो गया, अब जो इससे पावर किसको शेयर हुई, स्टेट को पावर मिल गई अब, और उन्हें पावर को यूज करने से अब कोई भी नहीं रोक रहा था, और सेंट्रल भी अब उस पर कोई दबाव नहीं बना पा रहा था. क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर जो था स्टेट के फेवर में थी, और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था कि सेंट्रल अपनी पावर अपने हाथ में ले और स्टेट में ना जाने दे, तो स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फुली सपोर्ट किया. द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी फॉर स्टेट वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने इस डिमांड को सपोर्ट किया, और इस तरह दस द फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टूडे देन इट वॉज इन द अर्लियर. और इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले जो कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के वर्क के मुकाबले अब जो काम हो रहा था फेडरलिज्म, वो ज्यादा पावरफुल हो गया था. जो पावर शेयरिंग थी, जो संघीय सरकार की जो साझा शक्ति थी, जो स्टेट और सेंटर में बट गई थी, स्टेट सेंटर और लोकल गवर्नमेंट में बट गई थी, वो पहले से बेटर काम कर रही है. तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा स्टेट सेंटर रिलेशन, ये आप आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि सारी चीजें हम समझ गए कि आजादी के बाद से कौन सी पार्टी थी, वो सेंटर में थी, स्टेट में वो नहीं जाने दे रही थी, वो नहीं चाहती थी कि स्टेट में किसी और पार्टी का रूल हो, लेकिन उसके बाद इक्का दुक्का अगर कोई पार्टी स्टेट में आती थी तो उसको रूल नहीं करने देती थी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके उसको डिसमिस कर देती थी. 90 के बाद सिचुएशन चेंज हुई, किसी एक गवर्नमेंट पार्टी की सरकार नहीं बनी, कुछ ने मिलकर बनाई जिसको कोलिशन कहा गया, और उसके बाद से जो पावर थी वो शेयर हो गई, बट गई, किससे, सेंट्रल से स्टेट में. अब स्टेट अच्छे से रूल कर पा रहा था, उस पर किसी का दबाव नहीं था, कोई उसको रोक नहीं पा रहा था, और सुप्रीम कोर्ट का भी इसको फुली सपोर्ट था. तो ये हमने इसमें पढ़ा सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन. थैंक यू.